जय हिंद, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन बेंचर्स एक्सप्रेस 365 डेली करंट अफेयर्स। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में, जहां मैं चंदन रोशन एक बार फिर आप लोगों के साथ आज सुबह के करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। दीपक जी, जय हिंद एंड वेलकम टू द क्लास। सहेश भोसले, गुड मॉर्निंग। देन वी हैव रोहित चौहान, मनीष ठाकुर, नीलेश, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन। जो बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी लोग एक बार मुझे रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड करें, और जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं प्लीज एक बार सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स और दोस्तों के साथ इस सेशन को प्लीज शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम बच्चे इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सकें। तो एक बार फिर से सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार, और ऑनलाइन बेंचर्स के एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? प्लीज डू रिस्पॉन्ड टू मी, प्लीज डू रिप्लाई टू मी। हमेशा एक बात ध्यान रखो कि आप लोगों को जब तक आप सस्टेनेबल नहीं हो अपने अप्रोच में, निरंतर नहीं हो अपने वर्क के अंदर, तब तक आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को या किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा जो की मंत्र है या सबसे बड़ा जो सक्सेस मंत्र है वो ये है कि आप लोगों को अपने अपने अप्रोच में सस्टेनेबल होने की जरूरत है। यानी कि जिस वर्क को आपने स्टार्ट किया है, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए पूरी तरीके से, तब तक आपको उसको बीच में लीव नहीं करना है। तो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स। छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान रख करके अपने प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। रजत ठाकुर, वेलकम टू द क्लास। रवि गुप्ता, छवि उपाध्याय, मोस्ट वेलकम टू द क्लास, मोस्ट वेलकम टू द सेशन। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। चलिए तो आप लोग एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस को, फिर आज के करंट अफेयर्स को, फिर स्टैटिक पोर्शन को, और लास्ट में हम लोग वन लाइनर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए तो आज का सबसे पहला रिवीजन क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सबसे पहला सवाल ये है कि विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड अ रेजोल्यूशन इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स टू पोस्थ्यूमसली अवार्ड द प्रेस्टिजियस कांग्रेशनल गोल्ड मेडल टू महात्मा गांधी। किस देश ने महात्मा गांधी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव को पेश किया है? जापान ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, या साउथ अफ्रीका ने? आप सबको पता है एक चीज कि जो ये जो कांग्रेशनल गोल्ड मेडल है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कहाँ की? तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। और यदि महात्मा गांधी को ये अवार्ड देती है यूएस कांग्रेस, यानी कि यूएस की पार्लियामेंट इस कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से अगर नवाजती है, तो ही विल बी द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड। तो ये भारत के ये पहले भारतीय होंगे जिनको कि ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है ना। इससे पहले ये समर ओलंपिक टीम को दिया गया था, रॉबर्ट ऑफ कैनेडी को दिया गया था, बिल्कुल सही बात है, जॉर्ज वॉशिंगटन को दिया जा चुका है। और अगर महात्मा गांधी को ये अवार्ड मिलती है तो ही विल बी द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द हाईएस्ट अमेरिकन सिविल अवार्ड, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आज का अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। एज पर द अनाउंसमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बाय विच ईयर द फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स विल बी अवेलेबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन वितरित किया जाएगा? 2022, 2023, 2024 या 2025? धीरज शर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन। जितने बच्चे लाइव हैं एक बार सभी लोग पूरे शिद्दत के साथ इस पर्टिकुलर सेशन को आप लोग शेयर कर दो। अब देखो, अगर हम फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं किसके फॉर्म में, तो आपको पता है आयरन के फॉर्म में, इसके बाद फॉलिक एसिड, इसके बाद विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, ये सब मैंने कल बताया था आपको, विटामिन B6, इसके बाद विटामिन B12, इसके बाद आपका जिंक हो गया। इन सब चीजों के साथ हमें राइस को ट्रीट करना है, ताकि जो इंडिया में प्रेवलेंट मॉल न्यूट्रिशन है, जो कुपोषण है, उसको हम वुमेन और चाइल्ड के बीच में क्या कर सके, कम कर सके। लेकिन जो फोर्टिफाइड राइस होती है उसको आप 45 डेज के बियॉन्ड, 45 दिन के उपरांत उपयोग नहीं कर सकते। तो मॉल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, खासकर महिलाओं में, ऐसा कहा गया है कि हर एक सेकेंड जो महिलाएं हैं भारत में वो क्या होती हैं, एनेमिक हो जाती हैं, ठीक है ना। और हर 3 में से 1 बच्चा ऐसा है
जो कि स्टंटेड है, जिसकी प्रॉपर ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो पाती बॉडी की, क्योंकि उनको प्रॉपर जो पोषक तत्व है या जो न्यूट्रिशनल फूड है वो सही समय पर मिल नहीं पाता। तो आपको ध्यान रखना है, इसे अवेलेबल करना है कब तक, 2025 तक, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आज का अगला सवाल ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन वी यूज हाइड्रोजन एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। निम्नलिखित में से किस तरीके से हम गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। आपको पता है कि भारत सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया है और ये कहा है कि 2047 तक, जब इंडिया अपने 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रही होगी, तो इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में स्वतंत्र हो जाएगा। और नेशनल हाइड्रोजन मिशन को एप्लीकेबल बनाने के लिए आप सबको पता है कि ये मैंडेट किया जा रहा है कि जो भी फर्टिलाइजर्स कंपनीज हैं, प्लांट्स हैं, और साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल कंपनीज हैं, जो रिफाइनिंग सेंटर्स हैं, उनके अंदर ये जो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल है उसको यूज किया जाने जाना मैंडेट किया जाए। तो आप इसमें किसकी तरह से कह सकते हो, ये ऑल ऑफ दीज होगा, बिल्कुल आंसर सही है। अमोनिया, फर्टिलाइजर, मेटल रिफाइनिंग, पावर जनरेशन, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ये चौथे क्वेश्चन में पता नहीं हर बार कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, मैं इस बार बताऊंगा टाइपिस्ट को कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो गति शक्ति मास्टर प्लान है, जिसके लिए आपको पता है कि 100 लाख करोड़ रुपीज सरकार जो है वो इन्वेस्ट करेगी, किस चीज के लिए? तो मैंने कल ही आपको बताया था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विच वन, यू विल से इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आधारभूत संरचना के समग्र विकास के लिए, आधारभूत संरचना के समग्र विकास के लिए ये 100 लाख करोड़ की योजना जो है वो अनाउंस किया गया है 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। क्योंकि जब तक किसी देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होंगे, तब तक बेहतर निवेश और बेहतर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उसको हम विकसित नहीं कर सकते। पूनम जी, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन। चलिए अगला सवाल ये है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज प्लान टू सेट अप वंधन प्रोड्यूसर कंपनीज इन ऑल द 27 स्टेट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इनमें से किस मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में वनधन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, ये पूछा गया है। आपको मैंने कल बताया था कि प्रोड्यूसर कंपनीज ऐसे कंपनीज को कहा जाता है जिसमें 10 इंडिविजुअल्स हों और 2 इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलकर के काम कर रही हों। ये कोऑपरेटिव बेसिस पे, सहकारिता के आधार पे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग हैं उनके द्वारा जो भी वस्तु या जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है, उत्पादित की जाती है, उसको मार्केट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। किसके द्वारा? तो आपको पता है ट्राइफेड के द्वारा। ये इनिशिएटिव कौन ले रही है? ट्राइफेड ले रही है। अब आप में से मैक्सिमम लोगों को मैंने कल बताया था कि ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है, तो व्हाट इज ट्राइफेड? तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म ध्यान रखना है ट्राइबल, दिस इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो ट्राइफेड है और ये किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। ये जो ट्राइफेड है यही इंडिया के 27 स्टेट्स में इन वंधन प्रोड्यूसर कंपनीज को एस्टैब्लिश करेगी, ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनकी सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को हम क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें, और उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको और बेहतर बनाया जा सके। और बता दूं, ये जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसे 1987 में क्या किया गया था, तो आप बताओगे एस्टैब्लिश किया गया था 1987 में। और इसका जो मुख्यालय है ट्राइफेड का वो कहाँ पे है, तो आप बताओगे नई दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन है ट्राइफेड के वो कौन है? आरसी मीना, रामचंद्र मीना, ये ध्यान रखना है। मैंने ट्राइफेड के इसलिए बता दिया क्योंकि अभी एग्रीकल्चर को लेकर के बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं और एग्रीकल्चर प्रोटेस्ट भी चल रहा है फार्मर्स का, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल हिट करेंगे। दैट इज व्हाई आई हैव एक्सप्लेन यू ट्राइफेड ओवर हियर। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर दी, जितने लोग लाइव हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई। इन विच इंडियन स्टेट द मेडन एक्सपेरिमेंट ऑफ एडमिटिंग गर्ल्स इन द सैनिक स्कूल्स वॉज कैरीड आउट? सैनिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिला या प्रवेश का पहला प्रयोग किस भारतीय राज्य में किया गया था? आपको पता है कि 15 अगस्त को
पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि जितने भी सैनिक स्कूल्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ध्यान रखना जितने भी सैनिक स्कूल हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होती हैं। और इंडिया में कितने सैनिक स्कूल्स हैं, तो ऑल टुगेदर आपको ध्यान रखना 33 सैनिक स्कूल्स हैं इंडिया में। टोटल नंबर ऑफ सैनिक स्कूल्स कितनी हैं, 33 हैं। और 2021-22 के बजट में प्रपोज किया गया है कि 100 न्यू सैनिक स्कूल्स जो है वो इंडिया में और भी ज्यादा क्या किए जाएंगे, ओपन किए जाएंगे। और लड़कियों को सैनिक स्कूल्स में एडमिट करने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी, तो आप बताओगे मिजोरम से। जो नए 100 नए प्रपोज किए गए हैं, 33 एग्जिस्टिंग हैं, और जो सैनिक स्कूल्स हैं ये कहां पे है तो आप बताओ, किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होती है। और सैनिक स्कूल्स को इसलिए स्टार्ट किया गया था इंडिया में ताकि हम बच्चों को काउंसिल कर सकें, बच्चों को प्रेरित कर सकें कि वो अपने लाइफ को यूज कर सकें किस चीज के लिए, तो आप बताओगे नेशन बिल्डिंग में, नेशन के सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए। और इस बार इसमें अनाउंस किया गया है कि अब लड़कियों को भी हर सैनिक स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसकी पहल कहां से ली गई थी, तो आप बताओगे मिजोरम से। एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद अगला सवाल यह है कि इंडिया ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है इब्सा की टूरिज्म मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग। इब्सा क्या है, इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका टूरिज्म मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग। विच कंट्री इज द करेंट इब्सा चेयर, ठीक है ना, वर्तमान में जो IBSA है इसका अध्यक्ष देश कौन सा है, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या बोथ ANB। अभी भारत ने हाल ही में इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया और वर्तमान इब्सा अध्यक्ष पूछा गया है कि किस देश को। आपको पता है कि ये जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो इकोनॉमिक ब्लॉक है, सोशल ब्लॉक है, इनके जो चेयरमैन होते हैं वो रोटेशनल बेसिस पे बनाए जाते हैं, ठीक है ना, कंट्री में अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में इनके चेयरमैन को सेलेक्ट किया जाता है। तो वर्तमान में जो इब्सा ग्रुप है इसका चेयरमैन कौन है, तो आप क्या बताओगे, इट्स द इंडिया। कौन है, तो आप क्या बताओगे, भारत। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल ये है कि ऑन विच डे नवरोज द पारसी न्यू ईयर हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। भारत में किस दिन नवरोज यानी कि पारसी नववर्ष जो है वो मनाया जाता है, 10th of August, 13th of August, 16th of August या 19th of August, ये पूछा गया है। जो पारसियों का नववर्ष है नवरोज, वो किस दिन ऑब्जर्व किया गया है भारत में, वो किस दिन सेलिब्रेट किया गया है इंडिया में, ये आज का अगला प्रश्न है आपसे। 10th of August, 13th of August, 16th of August या 19th of August। कोई मुझे बता सकता है कि जो नवरोज त्योहार है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, एनीवन हु कैन टेल मी कि हु स्टार्टेड द नवरोज फेस्टिवल, हु स्टार्टेड नवरोज फेस्टिवल, कोई बता सकता है मुझे कि हु स्टार्टेड नवरोज फेस्टिवल इन इंडिया। भारत में नवरोज त्योहार की जो शुरुआत है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, ये मैंने पूछा है। ये ईरान में, अफगानिस्तान में, अजरबैजान में, ये ईरानियन न्यू ईयर है, ठीक है ना, और ये सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, तो आप बताओगे बलबन के द्वारा, बलबन के द्वारा। और हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 16th of August को, बिल्कुल सही है। अगला सवाल यह है कि इन विच स्टेट कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 हैज बीन पास्ड दैट प्रोहिबिट्स द सेल एंड परचेजेस ऑफ बीफ इन एरियाज इनहैबिटेड बाय नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज। किस राज्य में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया गया है जो गैर गौमांस खाने वाले समुदाय के निवास वाले क्षेत्रों में जो गौमांस की बिक्री है और उसकी जो खरीद है उसको प्रतिबंधित करता है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर असम में। ये जो स्टेट कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 है, और साथ ही साथ इस बिल में यह भी रखा गया है कि कोई भी टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है, कोई भी मंदिर परिसर है, उसके 5 किलोमीटर की रेडियस में जो बीफ शॉप है या जो बीफ की सेल और परचेज है वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होगी, देखना इस क्लॉज के साथ कि जिस किसी भी एरिया में नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज रहती हैं वहां भी आप बीफ को ना सेल कर सकते हो ना परचेज कर सकते हो। तो ये बिल कौन सी सरकार लेकर के आई है, असम। कौन लेकर के आई है, असम, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। चलिए अगला सवाल ये है आपका, बाय विच ईयर इंडिया हैज टारगेटेड टू बिकम द एनर्जी इंडिपेंडेंट। भारत ने किस वर्ष तक अपने आप को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। ये सवाल आपको मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि इंडिया ने टारगेट रखा है किस ईयर का, टू बिकम द एनर्जी इंडिपेंडेंट। भारत ने अपने आप को ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य किस वर्ष तक तय किया है, किस वर्ष तक निर्धारित किया है।
Is it 2027, 2037, 2047, 2057? Please go for the reply. तो आप क्या बताओगे? This will be 2047. Absolutely true. तो 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि हम पूरी तरीके से एनर्जी इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी क्रूड ऑयल की डिमांड है, जो भी हमारी नेचुरल गैस की डिमांड है, उसके लिए हम अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं होंगे. हमारे पास खुद की इतनी कैपेसिटी होगी कि हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं अदर सोर्सेज के थ्रू. दिस इज द बेसिक थिंग. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब आज के पहले करंट अफेयर की तरफ हम लोग मूव करते हैं. जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इन्होंने टैक्सी ट्रायल किया है हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट का. ये एक नई एयरक्राफ्ट है जिसको हम इंडक्ट करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, डिजास्टर्स मैनेजमेंट के लिए, जिसका नाम है हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट. तो हमारी HAL है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसने रिसेंटली सक्सेसफुली एक टेस्ट कैरी आउट किया है. किस चीज का? तो आप बताओगे, हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट का फॉर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन टाइप सर्टिफिकेट, DGCA के सर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने ट्रायल किया है HAL के द्वारा निर्मित हिंदुस्तान 228. और ये हिंदुस्तान 228 क्या है? तो आप बताओगे, दिस इज द LSTTT, लो स्पीड टैक्सी ट्रायल किया गया है हिंदुस्तान 228 हेलीकॉप्टर्स का, ताकि DGCA जो है इसके उड़ान के लिए, इसके सर्विसेज के लिए जो सर्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड कर सके. जो हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट है, इसको बिल्ड किया गया है विद द एम ऑफ सपोर्टिंग द रीजनल कनेक्टिविटी की उड़ान. आपको पता है कि उड़ान जो रीजनल RCS जो है, उड़ान RCS, उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना के अंतर्गत जितने भी छोटे शहर है भारत के, ठीक है ना, उन सबको, जो मेजर सिटीज है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, उसको फ्लाइट कनेक्टिविटी के साथ क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है. तो इस उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को सपोर्ट करने के लिए इस छोटे से हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान 228 को क्या किया है? विकसित किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा. इसको यूटिलाइज किया जाएगा सिविल ऑपरेटर्स और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर इंट्रा एंड इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टुवर्ड्स ट्रेनिंग, मेंटेनेंस एंड लॉजिस्टिक्स. यानी कि ये जो हिंदुस्तान 228 है, इसका उपयोग सिविल ऑपरेटरों और राज्य सरकारों द्वारा प्रशिक्षण, रखरखाव और साथ ही साथ हम कह सकते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना. ये एक 19 सीटर मल्टी रोल यूटिलिटी एयरक्राफ्ट होगा. ये कितना सीटर होगा? आप बताओगे, 19 सीटर एयरक्राफ्ट होगी. क्या इसका नाम क्या? हिंदुस्तान 228 जो है, ये 19 सीटर हेलीकॉप्टर होगी. और इसको बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रेम ऑफ मिलिट्री प्लेन डॉर्नियर 228. इसको कॉपी किया गया है किस प्लेन की बेसिस पे? तो जो हमारे सेना में इस्तेमाल की जाने वाली डॉर्नियर 228 है, उसी की रूपरेखा पे ये हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया है. इसको आपको ध्यान रखना है. जो सिविल वर्जन है इसका, इसको यूज किया जाएगा एम्बुलेंस के फॉर्म में, VIP लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पैसेंजर्स को इमरजेंसी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्लाउड सीडिंग के लिए, फ्लाइट इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है ना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, जैसे पारा जंपिंग, फोटोग्राफी, एरियल सर्विलेंस, कार्गो एप्लीकेशन. तो ये जितने भी छोटे छोटे काम होते हैं, इन सब के रूप में ये 19 सीटर मल्टी रोल यूटिलिटी एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान 228 का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए. और इनका अभी भी टैक्सी ट्रायल की गई है, ताकि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, वो इसको सर्टिफाई कर सके उड़ान भरने के लिए, जिसको कि हम एम्बुलेंस के रूप में, VIP लोगों के ट्रांसपोर्टेशन, जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं उसके लिए, ठीक है ना, इमरजेंसी के अंदर पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्लाइट इंस्पेक्शन के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, जंपिंग, फोटोग्राफी, एरियल सर्विलेंसेस, इन सब में इसका हम उपयोग कर सके. आपको बता दूं मैं कि जो हमारा हाल है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसको मैनेज किया जाता है बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इनकी अपॉइंटमेंट होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से. यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मैनेज करती है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर हैं, उसको सीधे तौर पर नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा. तो इट विल बिकम एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ HAL हु मैनेजेस इट्स प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी. तो आप क्या बताओगे? इट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार सभी लोग जो लाइव हैं, सेशन को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें. कम से कम 50 वॉचिंग तो करो आप लोग, जितने लोग लाइव हैं. चलिए अब द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक न्यूज कवर किया है
कि जो सेंसस 2020-21 है, जो हमारा जनगणना 2021 है, इसमें काफी देरी हो गई है और ये जो डिले है सेंसस में, ये बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है। आपको बता दूं मैं कि सेंसस क्या है। सेंसस में बेसिकली दो अप्रोच अपनाया जाता है। इसमें हम एक हाउस लिस्टिंग करते हैं और एक कास्ट सेंसस कंडक्ट की जाती है। उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि देश में जो हमारी जनसंख्या है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, जो हमारी पॉपुलेशन है उनके पास किन चीजों की कमी है, किन चीज की उपलब्धता है, और उसी के बेसिस पे हम गवर्नमेंट स्कीम्स को क्या करते हैं, प्लान करते हैं, वेलफेयर स्कीम को डिजाइन करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है लोगों तक सुविधाओं को पहुंचा करके और उनके अंदर जो कमियां है उसको पूरा करने के लिए। ये सेंसस एक मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है ना, इलेक्शन से पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिलिमिटेशन में, परिसीमन में, ठीक है ना। तो ये जो डिले हुआ है सेंसस में, इसका बहुत सारा इम्पैक्ट आएगा इंडिया के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है ना। और आपको बता दूं मैं कि जो 2021 का सेंसस है ये क्या होगा, डिजिटल सेंसस होगा, जो भारत की पहली डिजिटल सेंसस होगी। आपको बता दूं मैं कि जो सेंसस 2021 है इसको पोस्टपोन किया गया है, मतलब बर्खास्त किया गया है इनडेफिनिट पीरियड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस बात की जानकारी दी है लोकसभा में पिछले हफ्ते। उन्होंने कहा है कि जो मैसिव एक्सरसाइज है, ठीक है ना, वो इसलिए पोस्टपोन किया गया क्योंकि जो COVID-19 पेंडेमिक है इस कारण से सर्वे पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है ना। इसको इस चीज की दलील दी गई है और ये बात सही भी है कि इस पेंडेमिक के कारण जो डोर टू डोर कैंपेन होना चाहिए सेंसस डेटा को कलेक्ट करने के लिए वो संभव नहीं हो पाया। इसको आपको ध्यान रखना है। जो सेंसस है इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिमार्केट करने के अलावा इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी इस डेटा को यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है किस चीज में, तो वेलफेयर स्कीम्स के किस चीज में, इम्प्लीमेंटेशन में, ताकि हम सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसको क्या कर सकें, ठीक कर सकें, ठीक है ना। सेंटर का जो इंटेंट है सेंसस 2021 को कंडक्ट करने का, इसको नोटिफाई किया गया था 28 मार्च 2019 को, यानी कि 28 मार्च 2019 को सरकार ने इस बात को अधिसूचित किया था कि हम सेंसस के एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और ये भी कहा गया था कि जो सेंसस है ये दो फेजेस में कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले होगा हाउसिंग सेंसस यानी कि घरों की जनगणना अप्रैल से लेकर के सितंबर 2020 तक, और फिर इसमें होगी पॉपुलेशन काउंटिंग फरवरी 9 2021 ऑनवर्ड से, ठीक है ना। लेकिन ये COVID-19 के कारण ये जो एक्सरसाइज है सेंसस का वो पॉसिबल नहीं हो पाया, इसको आपको ध्यान रखना है। मार्च 2021 में जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने, उनकी जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने एक टेंटेटिव अल्टरनेटिव टाइमलाइन दिया है। उन्होंने कहा है कि हम एक आपको संभावित वैकल्पिक समय रेखा दे रहे हैं जिसके हिसाब से ये कहा गया है, जिसके हिसाब से ये कहा गया है कि सब जो फील्ड वर्क है पहले फेज के लिए, ठीक है ना, उसके थ्रू हम डेटा जो है वो पहले हाउसिंग के लिए कंडक्ट करेंगे, फिर जो हाउस होल्ड एमिनिटीज हैं, लोगों के पास जो एसेट्स हैं, ठीक है ना, ये एक्सपेक्टेड है कि हम 2021-22 तक इस डेटा को कलेक्ट कर लें, ठीक है ना, ये बात कहा गया है। इसके बाद कहा गया है कि जो डेमोग्राफी है, जो पॉपुलेशन की स्टडी है, जो इंडिया का रिलीजन है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे लिटरेसी है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, माइग्रेशन डेटा है, फर्टिलिटी रेट है, इसके बारे में जो सेंसस रिपोर्ट होगी वो 2023-24 तक करेंगे। मतलब दो फेजेस में करने की बात कही गई है और इसमें कहा गया है कि 2021-22 के एंड तक, यानी कि अगले साल के 31 मार्च तक, ये कहा गया है कि पॉपुलेशन की संख्या को काउंट करके कितने देश में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, कितनी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, कौन से लोग सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग कर सकते करते हैं, भारत की साक्षरता कितनी है, कितने लोग एजुकेटेड हैं, किस किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये डेटा जो है, ठीक है ना, कब तक आ पाएगा, तो ये कहा गया है 2023-24 तक, ठीक है ना, यानी कि डिले हो गया है सेंसस में। और आपको बता दूं मैं कि जो सेंसस है ये कंडक्ट की जाती है इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ने इस बात को ऐड किया है कि जो प्रोविजनल डेटा है सेंसस 21 का, ये रिलीज किया जाएगा 2023-24 के आसपास, ठीक है ना, नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होने से ठीक पहले। और ऐसा इसलिए कि 23-24 से इस डेटा को रिलीज करना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसका परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन किया जाए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार सभी लोग मुझे रिप्लाई और रिस्पॉन्ड कर, जितने लोग लाइव हैं और जितने बच्चे लाइव हैं, एक बार सभी लोग सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए अगली इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, तपस इनिशिएटिव। ये जो तपस शुरुआत है इसके बारे में अब हमें समझना है कि तपस क्या है।
तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है तपस, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। तपस स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। जो हमारे देश की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है तपस, प्रशिक्षण उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए इसे ऑनलाइन लॉन्च किया गया है। ये तपस क्या है? तो तपस जो है ये इनिशिएटिव है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, जो कि प्रोवाइड करेगी एक्सेस टू लेक्चर्स बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, स्टडी मटेरियल एंड मोर, बट इन अ मैनर दैट इट सप्लीमेंट्स द फिजिकल क्लासरूम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, जो इस तपस की शुरुआत के साथ आना चाह रही है, एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है किसकी मदद से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस की सहायता से। इसका एक ही लक्ष्य है, ठीक है ना, कि जो लोग स्किल ट्रेनिंग चाहते हैं, जिनको हुनर वाला ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है ना, ऐसे लोगों को, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट मैटर्स है, जो स्टडी मटेरियल्स हैं और जो एक्सप्लेनेशन वाली चीजें हैं, उन तक ऑनलाइन चीजों को पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये जो सर्विसेज है वो इस तरीके से पहुंचाई जाएगी कि जो रेसिपिएंट है वो डिफ्रेंशिएट ना कर सके कि ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन। मतलब ये चीजें ऑनलाइन पहुंचाई जाएगी लेकिन उसके क्वालिटी में किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और वो जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी वो बिल्कुल जिस तरह से ऑफलाइन में दी जाती है उसको क्या करेगा, तो आप क्या बताओगे, रिजेंबल करेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो तपस जो है एक इनिशिएटिव है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, याद करो इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस का इनिशिएटिव किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, जो कि लेक्चर्स को एक्सेसिबल बनाएगा। लेक्चर्स क्या है, तो जो जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, तो इन अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, स्टडी मटेरियल्स के ऊपर, ठीक है ना, ऑनलाइन लोगों तक ये मैटर्स पहुंचाए जाएंगे, लेकिन इस तरीके से ताकि जो फिजिकल क्लासरूम में लोगों को ट्रेनिंग मिलती है उसमें और जो ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा उसमें किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसको आपको ध्यान रखना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंट्रोड्यूस द कोर्स मॉड्यूल्स, इज टू इम्पार्ट ट्रेनिंग एंड एनहेंस द नॉलेज एंड स्किल्स फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। इस मॉड्यूल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है जो भी प्रतिभागी है उनके क्षमता को विकसित करना, उनको प्रशिक्षित करना और उनके ज्ञान और कौशल को विकसित करना। इंडिया में आपको पता है कि अनस्किल्ड लोगों की संख्या ज्यादा है, तो उनको स्किल्ड बनाने के लिए, खासकर जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकबोन है, वहां तक इस स्किल्स को, नॉलेज को, ट्रेनिंग को उन लोगों तक पहुंचाने के, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट देने में दिक्कत ना हो, उसके लिए ये तपस कार्यक्रम जो है, ये तपस ऑनलाइन पोर्टल जो है वो क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इट कैन बी टेकन अप बाय एनीवन हु विशेस टू एनहेंस हिज और हर नॉलेज ऑन द टॉपिक्स एंड देयर इज नो फी फॉर ज्वाइनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस तपस पोर्टल पे जाकर के कोई भी इंडिविजुअल इंडिया का रजिस्टर कर सकता है, इसमें कोई कास्ट या क्लास बैरियर नहीं है, और इस सर्विसेज को अवेल करने के लिए आपको किसी भी फी को देने की आवश्यकता नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कह सकते हो ये एक जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग और स्किल प्रोग्राम है जो कि इनिशिएटिव है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस की, किसके थ्रू, तपस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, जो कि एक्सेसिबल बनाएगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स को, स्टडी मटेरियल्स को, ठीक है ना, और साथ ही साथ इनहेंस करेगा ट्रेनिंग, नॉलेज और स्किल्स बिल्डिंग कैपेसिटी को उन यूथ्स और उन लोगों के बीच में जो लोग ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हुए अपने लिए एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं। दिस इज द, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी ये सेवा, और इसको कोई भी इंडिविजुअल क्या कर सकता है, तो आप बताओगे, एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। जो 5 बेसिक कोर्सेज अवेलेबल होंगे तपस के अंदर, वो किस किस चीज पे है, ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन, गेरियाट्रिक और एल्डरली केयर, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमेंसिया, ट्रांसजेंडर इश्यूज, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सोशल डिफेंस इश्यूज। यानी कि 5 बुनियादी जो सिलेबस हैं या जो कोर्सेज हैं उसको लॉन्च किया गया है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए कोर्सेज हैं, बुजुर्गों की देखभाल के लिए जो कोर्सेज हैं, मनोवृंस की देखभाल, केयर एंड मेजरमेंट ऑफ डिमेंसिया, जिनको मेमोरी लॉस हो जाती है उनका कैसे टेक केयर किया जाए उसके मैनेजमेंट के लिए कोर्सेज हैं। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर के लोग हैं उनके सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर एक पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो ये जो तपस इनिशिएटिव है ऑनलाइन पोर्टल का, इसमें जितने भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं उसमें कौन कौन सी कोर्सेज हैं, तो ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन है, एल्डरली केयर है, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमेंसिया पेशेंट है, ट्रांसजेंडर इश्यूज हैं,
और साथ ही साथ कोर्स लॉन्च किया गया है सोशल डिफेंस इश्यूज के लिए, और इन सभी कोर्सेज को आप टपस ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करके आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, और इसके लिए कोई भी ज्वाइनिंग फी जो है वो रखी नहीं गई है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, आपको पता है कि जो उड़ीसा है और यहाँ पे जो हमारे नवीन पटनायक साहब हैं, ये मास्टर पे मास्टर स्ट्रोक लगाए जा रहे हैं, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया एज वी हैव एज ऑफ प्रेजेंट। वर्तमान में ये मैं मान के चलता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर सॉरी चीफ मिनिस्टर है किसी भी स्टेट को लेकर के। और उड़ीसा गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि वो अपने लोगों के लिए स्मार्ट हेल्थ कार्ड लेकर के आ रही है, और ये जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड है ये उड़ीसा के लोगों को 5 लाख रुपीज एनुअली 5 लाख रुपए एनुअली तक की हेल्थ केयर सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। अभी उड़ीसा, आपको पता है कि नवीन पटनायक काफी चर्चाओं में थे क्योंकि उन्होंने जो हॉकी टीम है उसको पूरी तरीके से क्या किया था, स्पॉन्सर किया था। अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक और भी इंपॉर्टेंट चीज लॉन्च की है जिसका नाम क्या रखा गया है, बताओगे, हेल्थ केयर कार्ड, ठीक है ना। तो राज्य के प्रयासों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में लगाने के लिए जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, उन्होंने स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है अंडर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। बीजू पटनायक इनके फादर थे जिन्होंने, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कहां के, उड़ीसा के, तो उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना लॉन्च की है, और उसके अंतर्गत हेल्थ केयर फैसिलिटीज को उड़ीसा में स्ट्रेंथन करने के लिए नवीन पटनायक साहब ने लॉन्च किया है स्मार्ट हेल्थ कार्ड फैसिलिटी। क्या लॉन्च किया है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड फैसिलिटी, और किस योजना के अंतर्गत, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के अंतर्गत, जो कि बेनिफिट करेगी लगभग 3.5 करोड़ पीपल ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के 3.5 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब ने स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है अंडर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, ठीक है ना, जो कि 3.5 करोड़ उड़िया लोगों को क्या करनी जाएगी, सपोर्ट करेगी। ये जो स्मार्ट कार्ड है ये सभी बेनिफिशरीज को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी अप टू 5 लाख पर एनम, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो मुफ्त में लोगों तक पहुंचाया जाएगा बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। जो महिलाएं हैं वो बेनिफिट्स अवेल कर सकती है अप टू 10 लाख एवरी ईयर, यानी कि जो परिवार के पुरुष वर्ग हैं उनके लिए 5 लाख रुपए की हेल्थ कवर होगी, और जो महिलाएं हैं उनके लिए 10 लाख रुपीज पर एनम का कवर दिया जाएगा, ठीक है ना। प्रेजेंटली आपको बता दूं कि 71.6 लाख फैमिली जो है उड़ीसा में दे आर कवर्ड अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है ना। इसके अलावा जो 20.8 लाख फैमिलीज है उनको भी इस योजना के अंतर्गत ऐड किया गया है। जो भी फैमिलीज उड़ीसा के अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड है या स्टेट फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर्ड है उनको भी ये हेल्थ केयर कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। और जब तक हेल्थ केयर कार्ड लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता तब तक जो बेनिफिशरीज हैं वो अपने राशन कार्ड को यूज करके इस हेल्थ ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कितनी अच्छी चीज कही गई है कि जब तक हेल्थ कार्ड सभी लोगों के हाथ में ना मिल जाए तब तक जो भी उड़ीसा के डोमिसाइल हैं, जो भी वहां के लोग हैं, उनके पास जो राशन कार्ड होगा उस राशन कार्ड को इस्तेमाल करके, ठीक है ना, वो इस हेल्थ बेनिफिट का फायदा ले सकते हैं, जिसमें मेन के लिए 5 लाख रुपीज पर एनम का हेल्थ केयर होगा और वुमेन के लिए 10 लाख रुपीज पर एनम का हेल्थ केयर होगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। जितने भी बेनिफिशियरी हाउस होल्ड हैं उनको 2 चिप इनेबल्ड कार्ड दिए जाएंगे जिसमें कार्ड पर बेनिफिशियरी का नाम होगा, एक 12-डिजिट यूनिक नंबर होगी, और ये जो कार्ड है ये वैलिड होगा 1 साल के लिए विद द मैक्सिमम बेनिफिट लिमिट, और इसको फिर हर साल के बाद ऑटो रिन्यूअल किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक में मान के चलता हूँ उड़ीसा सरकार के द्वारा, जिन्होंने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के अंतर्गत हेल्थ कार्ड इशू करने की मुहिम चलाई है, जो पुरुषों को 5 लाख रुपए सालाना का हेल्थ ट्रीटमेंट देगा और महिलाओं को अप टू 10 लाख रुपीज। और ये जो हेल्थ कार्ड होगी इसमें क्या होंगे, इट विल हैव 2 चिप कार्ड्स। इसमें क्या होंगे, हर फैमिली को 2 चिप कार्ड्स दे जाएंगे मेन और फीमेल बेनिफिशियरी के नाम पे। इसमें 12-डिजिट यूनिक नंबर होगा और ये 1 साल के लिए वैलिड होगी और 1 साल के बाद इस कार्ड को ऑटो रिन्यू किया जाएगा। एम आई क्लियर टू यू ऑल, इसको ध्यान रखना है। चलिए अब एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं, हुनर हाट। आपने इसके बारे में सुना है, जो लोग दिल्ली में हो या लखनऊ में रह रहे हैं या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज उसमें रह रहे हैं उनको पता होगा कि हर साल जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, आपको बता दूं कि जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, उन्होंने इस हुनर हाट का आयोजन करना शुरू किया है
भारत के अलग अलग शहरों में, जिससे कि इंडिया के जो भी आर्टिजन्स हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, जिनके पास जो भी हुनर है उसको ये आकर के शोकेस करते हैं, ठीक है ना, और लोग आकर के इसमें उनके बनाए गए सामग्रियों को खरीदते हैं, जिससे कि उनके इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को हम क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। तो सर, इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज को कवर किया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि पूरे इंडिया में 75 हुनर हाट्स जो है उसको क्या किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। तो जो यूनियन मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स के, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे लगभग 7.5 लाख आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन को थ्रू 75 हुनर हाट्स विच विल बी सेट अप ओवर द कमिंग मंथ्स। आने वाले महीनों में ये बात कहा गया है कि 75 हुनर हाट मेलों के आयोजन के द्वारा लगभग 7.5 लाख कारीगरों और शिल्पकारों को नौकरी का अवसर प्रदान करेगी कौन, अल्पसंख्यक मंत्रालय। और ये बात इसके जो मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने अपने विज्ञप्ति में कहा है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जो 75 हुनर हाट मेले हैं ये अलग अलग जगहों पे क्या किए जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे, और देश भर में आयोजित होने वाले ये जो 75 हाट अमृत महोत्सव है ये उसका हिस्सा होगा, जो आजादी के 75 साल के पूरे होने पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये जो 75 हुनर हाट फेयर है, ये जो 75 हुनर हाट मेले हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों में आयोजित करें किए जाएंगे, जो लगभग 7.5 लाख जो कारीगर और शिल्पकार हैं, जो आर्टिजन्स और क्राफ्टमैन हैं, उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, ये इनिशिएटिव ली गई है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। किसके अंतर्गत? तो भारत के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, जो कि हम जस्ट मना रहे हैं भारत के 75 साल के स्वाधीनता दिवस के रूप। इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो 75 हार्ट्स हैं इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के अंतर्गत भी, ठीक है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि जो भी चीजें लोकली प्रोड्यूस की गई है यदि इसको हम पॉपुलराइज करें पूरे इंडिया में, तो जो छोटे छोटे आर्टिजन्स हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, जिनको एक्सपोजर नहीं मिल पाती बड़े लेवल पे, उनको एक्सपोजर मिलेगा, उनके प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे, और उनसे उनकी जो खुद की लाइवलीहुड है, उनका जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी क्या होगा, इनहेंस करेगा। तो इस 75 जो हार्ट फेयर है इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे एक रीजन ये भी है कि वी हैव टू वोकल फॉर लोकल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री। अच्छा बता दूं मैं, इसी 75 हार्ट्स के अंदर एक और सेक्शन की शुरुआत की जा रही है जिसका नाम है बावर्ची खाना। ये इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इस 75 हुनर हाट मेले के साथ साथ एक और भी पार्ट को जोड़ा है जिसका नाम है बावर्ची खाना, जिसके अंतर्गत जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो अलग अलग व्यंजन है उसका जो बनाया जाता है लोगों के द्वारा, उसका भी लोग आनंद ले सकते हैं एक जगह पे। इसमें क्या है, जो ट्रेडिशनल क्यूलिनरी एक्सपर्ट्स है हमारे मार्केट के अंदर, ठीक है ना, उनके जो बनाए गए खाने जो और डिशेज जो हैं उसको इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में हम परोस सकते हैं, और लोग अलग अलग क्षेत्रों के जो व्यंजन है, अलग अलग क्षेत्रों के जो खाने हैं, ठीक है ना, जो खाना है, जो व्यंजन है, जो डिशेज हैं, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी अबाउट दैट, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो बावर्ची खाना स्टार्ट किया जा रहा है इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो बनाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजन है, जो ट्रेडिशनल क्यूजीन है और जो ट्रेडिशनल डिशेज हैं, उसको हम उस लोकल एरिया से निकाल करके और एक नेशनल एक्सपोजर दें, ताकि सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों के जो बनाए गए व्यंजन और डिशेज हैं उसका मजा ले सके। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है भाई बावर्ची खाना का नाम सुन करके, ठीक है ना। और ये बता दूं मैं कि जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, मेरा वतन, मेरा चमन, मुशायरा और कवि सम्मेलन जो है उसको भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा पूरे कंट्री में 2023 तक, जहां पे रेनॉन्ड और इमर्जिंग पोएट्स जो हैं वो अपने मैसेजेस को डिलीवर करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत। यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उन्होंने इन 75 हुनर हाट के अलावा एक बावर्ची खाना इनिशिएटिव की शुरुआत करेंगे ये लोग, और साथ ही साथ अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरा वतन मेरा चमन, ये मुशायरा और कवि सम्मेलन भी है जो है, इसको भी पूरे देश में ऑर्गेनाइज करेगा। मेरा वतन मेरा चमन क्या है, मुशायरा और कवि सम्मेलन है, जिसको भी पूरे देश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2023 तक, जिसमें देश भर के जो प्रसिद्ध और उभरते हुए कवि हैं वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत का क्या देंगे, संदेश देंगे। तो ये जो 75 अमृत महोत्सव पार्क हैं इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा उन खाली जगहों पे जो कि वक्फ बोर्ड का लैंड है और जो खाली पड़ी है। तो वक्फ तारकियत योजना के तहत देश भर में खाली हुई जो वक्फ भूमि है उस पर इस 75 महोत्सव पार्क को क्या किया जाएगा, निर्मित किया जाएगा।
यानी कि ये जो प्लेज है कि 7.5 लाख जो आर्टिजन्स हैं और क्राफ्ट्समैन है उनको जो एम्प्लॉयमेंट देने का काम कर रही है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि इस पेंडेमिक के समय में ये जो छोटे छोटे हस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, ठीक है ना, इनकी जॉब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में। एक बार जितने लोग लाइव हो सेशन पे, सभी लोग पॉजिटिवली सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा है, मेरे कंटेंट अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है न्यूज, तो सभी लोग एक बार जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो। अब हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में। आपको पता है कि कहां क्या क्या कुछ चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर और किस तरीके से चाइना, पाकिस्तान की मिलीभगत है, अमेरिका अपने स्टैंड को पीछे कर रहा है, ये सब कहानी आपको पता है, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक बात कही है कि आप सब एकजुट होकर के, एकत्रित होकर के जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको यूज कीजिए ताकि अफगानिस्तान जो है वो हेवन ना बन जाए टेररिस्ट के लिए, ठीक है ना। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस साहब है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस बात की अपील की है कि आप सब लोग एकजुट होकर के अपने संसाधनों को उपयोग कीजिए और इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि जो अफगानिस्तान है वो फिर से आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर तालिबान पूरी तरीके से वहां के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है तो डेफिनेटली इसको एज अ टेररिस्ट हेवन यूज किया जाएगा, इसमें कहीं डाउट वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अफगानियों के अधिकार है उसको रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए और ऑल्सो आज द अफगानिस्तान टू फॉलो ऑल द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स टू विच इट वॉज अ पार्टी। उन्होंने अफगानों के अधिकारों का सम्मान करने का भी आह्वान किया है और अफगानिस्तान सरकार को उन सभी अंतरराष्ट्रीय समझौतों को पालन करने के लिए कहा है जिनके वो सिग्नेटरीज हैं। लेकिन भाई जब प्रेसिडेंट ही भाग गया तो फॉलो कौन करेगा। काबुल में बहुत ही टेंस माहौल है, आप सबको पता है, जो लोग हैं वहां पे बिल्कुल इधर उधर घूम रहे हैं, छिप रहे हैं, ठीक है ना। लोग इतने ज्यादा वहां पे दहशत में है, इतने ज्यादा वहां पे आप कह सकते हो हॉरिबल कंडीशन में है कि उनको ये डर है कि जो तालिबानी लोग हैं वो उनके घरों को लूट न ले, उनको मार न दे, उन पे पूरी तरीके से सरिया को लागू ना कर दे। क्योंकि जो तालिबान है वो उसकी शुरुआत कहाँ से भी, तो तालिबान एक थॉट प्रोसेस है, एक सोच है जिसकी शुरुआत मदरसा के स्टडी से की गई। यानी कि 400 साल पहले जो सामाजिक विचारधारा थी, जो सोशल थॉट्स थे, उसी चीजों को प्रिवेल किया जाता है, उसी चीजों को प्रमोट किया जाता है तालिबानी विचारधारा का। यानी कि उनका ये मानना है कि भाई जो 400 साल पहले की स्टडी थी, जो 400 साल पहले की जो पद्धति थी वही सबसे बेटर है और उसी को हमें पालन करना चाहिए। इसको आप बता दूं मैं, जो यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन है उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है कि जो मीडिया के अंदर न्यूज दिखाए जा रहे हैं कि भाई यूएस का एक एयरक्राफ्ट था जिसमें लोग अफरा तफरी में चल रहे हैं, लोग उससे गिर के मर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये सब चीजें फेक न्यूज है। इस बात का उन्होंने पूरी तरीके से क्या किया, खंडन किया। हालांकि जॉय बाइडेन ने इस बात को क्लियरली कहा है, इस बात को क्लियरली कहा है अच्छे तरीके से कि यदि यूएस के किसी भी आर्म पर्सनल्स को अगर एक स्क्रैच भी आती है तो तालिबानियों की खैर नहीं, ये बात तो उन्होंने कहा है इस बात को, ठीक है। लेकिन अमेरिका जो है वो कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं ले रहा इस तालिबान क्राइसिस के ऊपर, जो कि बहुत गलत चीज है, ठीक है ना। तालिबान ने इस संडे को पूरी तरीके से अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लिया, ठीक है ना, और दो दशक पहले, ठीक है ना, यही जो यूएस की आर्म फोर्सेस थी उन्होंने इस तालिबानियों को अफगानिस्तान से बाहर किया था। अब जब अमेरिकन फोर्सेस ने तालिबान को बाहर कर दिया, फिर वहां पे डेमोक्रेसी आई, अब जब वहां से यूएस फोर्सेस वापस चली गई हैं तो ये तालिबान फिर से वहां पे क्या हो गए हैं, हावी हो गए हैं। आप हमेशा एक चीज देखो, वर्ल्ड की जितनी भी डिस्प्यूटेड चीजें हैं, जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, वहां एक व्यक्ति कॉन्स्टेंट है, वो है अमेरिका। उसी तरीके से चाइना भी अब हर डिस्प्यूट्स के अंदर अपने आप को क्या कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं तालिबान की, कि तालिबान क्या है, ठीक है ना, हु आर द तालिबान, ठीक है ना। तो मोहन मुल्ला अब्दुल घनी बरदार, ये जो मुल्ला अब्दुल घनी बरदार है, इसी ने तालिबान संगठन की क्या रखी थी, तो आप बताओगे, नींव रखी थी। तालिबान ने इससे पहले अफगानिस्तान पे 1996 से लेकर के 2001 तक क्या किया था, रूल किया था। और जब यूएस की ट्रूप 2001 में आई तो वहां से जो तालिबानी हैं उनको खदेड़ के बाहर किया गया, ठीक है ना। इस ग्रुप ने ही ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी, ठीक है ना, जिसने 2001 के 9/11 अटैक को क्या किया था, प्लान किया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इस्लामिक फोर्सेस कॉल्ड तालिबान वेयर फाउंडेड
इन सदर्न अफगानिस्तान, जो दक्षिणी अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहीं पर तालिबानी नामक इस्लामी ताकत की क्या की थी, स्थापना की गई थी। और जो मुल्ला मोहम्मद उमर है वो फाउंडर थे इस समूह के, और उसने हेल्प किया था पुशिंग सोवियत्स आउट ऑफ द कंट्री इन 1989। और ये जो मुल्ला मोहम्मद उमर है, जिसने तालिबान इस्लामिक संगठन की नींव रखी, ठीक है ना, उसने सोवियत संघ को देश से बाहर निकालने में क्या किया था, हेल्प किया था अफगानिस्तानियों को। 1994 में जो मुल्ला उमर है, उन्होंने एक समूह बनाया कांधार में, जिसके केवल 50 फॉलोअर्स थे। उन्होंने कांधार पर कब्जा किया, काबुल को 96 में कब्जा किया, और वहां पे इस्लामिक जो रूल्स और नियम है उनको क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया, ठीक है ना। दीज रूल्स बैंड द टेलीविजन एंड म्यूजिक, स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम गोइंग टू स्कूल एंड फोर्स द वुमेन टू ईयर बुरकास। यानी कि ये जो मुल्ला मोहम्मद उमर है, जिसने कांधार के शहर से एक तालिबान संगठन की नींव रखी जिसमें केवल 50 फॉलोअर थे, उसने अफगानिस्तानी सरकार को हेल्प किया था जो सोवियत रूस की फोर्सेस थी उसको बाहर निकालने में। उसके बाद उन्होंने कांधार और काबुल कर कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद 96 में उन्होंने वहां पे इस्लामिक कानून को लागू कर दिया। और ये जो इस्लामिक कानून तालिबान के द्वारा लागू किए गए 96 से लेकर के और 2001 के पीरियड के बीच में अफगानिस्तान में, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में न टीवी चला सकता है, न म्यूजिक प्ले कर सकता है। उन्होंने खासकर जो लड़कियों और महिलाएं थी, इनके ऊपर इस सरिया के कानून को बहुत, आप कह सकते हो, हेवली इम्पोज किया था। और जो लड़कियां थी उनको स्कूल जाने से प्रोहिबिट किया गया, जो वुमेन है उनको फोर्स किया गया कि आपको क्या करना है, बुर्का पहनने हैं। इन चीजों को लेकर के काफी स्ट्रिक्टनेस लाई गई, ठीक है ना। और अमेरिका के जो आर्म फोर्सेस थे, उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया 2001 में, उन्होंने तालिबान को पूरी तरीके से बाहर कर दिया। और जो तालिबान है, दे रिफ्यूज यूएस डिमांड टू हैंड ओवर बिन लादेन, ठीक है ना। और अमेरिका ने 2001 में इस अफगानिस्तान पे इसलिए अटैक किया था क्योंकि वो बदला ले सके ओसामा बिन लादेन से, जिसको पनाह दे रखा था तालिबानी फोर्सेस ने। तो जब तालिबान फोर्सेस को अफगानिस्तान से बाहर निकाला जा रहा था, तो इन तालिबानियों ने अमेरिका की जो मांग थी ओसामा बिन लादेन को उनको हैंडओवर करने का, इसको टुकरा दिया था। जिस कारण से जो अमेरिकन फोर्सेस थी, उसने उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली इन तालिबानी फोर्सेस के ऊपर अपना प्रहार किया था। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आप लोगों को वन लाइनर की बात करा दें। जो मिलिटेंट्स है गाजा स्ट्रिप में, उन्होंने एक रॉकेट फायर किया है इसराइल के ऊपर, जिसको इंटरसेप्ट किया गया है आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम के द्वारा, ठीक है ना। मिलिट्री ने कहा है कि जो पहला ये जो अटैक है, ये 11 दिन के उस वॉर के कारण से आया जो मई में स्टार्ट हुई थी। इसको ध्यान रखना है। और ये देखो, ये इसराइल और पैलेस्टीन, इनका भी जो झगड़ा है वो कुत्ते बिल्ली वाला झगड़ा है, ये भी कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये दोनों भी लड़ते रहते हैं। वैसे ही आप देखो, वर्ल्ड में यूएस और मैक्सिको को लेकर के टेंशन है, उसके बाद नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम में टेंशन है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में टेंशन है, ठीक है ना। चाइना वियतनाम में लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको बता दूं मैं, यूएस और कनाडा को लेकर के बॉर्डर इशू चल रहा है। उसके बाद आपको बता दूं मैं कि जो इथोपिया और जिबौती है उसको लेकर के प्रॉब्लम है, इथोपिया सोमालिया में प्रॉब्लम है, नॉर्थ और साउथ सूडान में प्रॉब्लम है। और जहां जहां भी ये डिस्प्यूट्स हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। और एक सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो सदी का है, वो इसराइल और पैलेस्टीन का है, जहां हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि इसराइल ने गाजा पे अटैक किया है, गाजा ने इसराइल पे अटैक किया है, ठीक है ना। जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं मुहिउद्दीन यशीन, इन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है अपने पद से, फॉलोइंग द मंथ्स ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल इन द कंट्री। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने वहां पे चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बाद इस्तीफा दे दिया। तो बताओ कि मलेशिया के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है, मुहिउद्दीन यासीन। तो जो मुहिउद्दीन यासीन मलेशिया के प्रधानमंत्री है, उन्होंने अभी क्या किया है, तो आप क्या बताओगे, इस्तीफा दिया है, ठीक है ना। चलो, कुछ पर्यावरणवादी यानी कि कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ने डिमांड किया है कि तमिलनाडु का जो कदावर रिजर्व फॉरेस्ट है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जा सके, ताकि हम स्लेंडर लॉरीज नाम की जो प्रजाति है उसको क्या कर सके, कंजर्व कर सके। इसको ध्यान रखना है। तमिलनाडु के कदावर रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करने की मांग की गई है। और जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इनोग्रेट किया है वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्विस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक का एट द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा इन न्यू दिल्ली। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया है।
वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जो नेशनल जीन बैंक है उसको इनोग्रेट किया गया है दिल्ली के पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा, इसको ध्यान रखना है। और जो हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसके अंतर्गत लगभग 20.32 लाख COVID-19 टेस्ट एंड 70.8 लाख ट्रीटमेंट जो है उसको ऑथराइज किया गया है अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 तक। यानी कि जो आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसके तहत अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 तक लगभग 20.32 लाख COVID-19 टेस्ट और 77.08 लाख जो लोग हैं उनको कहा गया है कि कोविड ट्रीटमेंट दिया गया है इस योजना के अंतर्गत, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर द टुडेज करंट अफेयर। प्लीज गो इन योर कमेंट सेक्शन एंड टेल मी हाउ वाज द क्लास फॉर टुडे। आप लोगों को आज की करंट अफेयर्स कैसी लगी आप लोग प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज दोपहर 1 बजे दोबारा आपसे इसी चैनल पर मुलाकात होगी, ऑनलाइन बेंचर्स की यूट्यूब चैनल पे, डिफेंस चैनल पे, जहां मैं स्टैटिक जीके के पार्ट को डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आप लोग प्लीज इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हर सुबह मंडे टू सैटरडे मेरे साथ 8 बजे अवेलेबल हो जाया कीजिए, ठीक है ना। तो मैं पूरी तरीके से एफर्ट्स लगा रहा हूं ताकि आपको मैं करंट अफेयर्स के अंदर स्टार बना दूं, ठीक है ना, ताकि किसी भी एग्जाम में आप अगर कंपीट कर रहे हो यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में जो प्रीमियम एग्जाम्स इंडिया की, उसमें एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। बस शर्त केवल इतनी है कि यू हैव टू बी सस्टेनेबल। आपको डेली आकर के सेशन को देखना होगा तभी आप इसका फायदा ले सकते हैं और तभी इसका बेनिफिट आप तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार और मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सुबह में उठिए विकास, आप एक डिफेंस सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, रूटीन को ठीक कीजिए, हेल्थ भी अच्छा रहेगा और दिन भर माइंड फ्रेश रहेगा आपका। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।